जय हिंद, वंदे मातरम साथियों, वेलकम है आप सभी का विजयपथ एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज एक बार फिर से स्टैटिक जीके की आपकी क्लास रहने वाली है। सो आज आपका फिफ्थ पार्ट आपका स्टैटिक जीके का रहेगा, जिसमें मैं आपसे डेली शाम को 8 बजे जो वन लाइनर क्वेश्चन है उसके बारे में आपसे डिस्कस करते हैं यहाँ पर। सो वीडियो के साथ आप बने रहें। अगर अभी तक आपने पिछले सेशन नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां से आप उनको देख सकते हैं। डेली जीके की क्लास शाम को 8 बजे आपके लिए रहती है। वीडियो को एक बार शेयर आप ज़रूर कर दें और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज जो है वो आपके लिए यहां पर चली है। आज हमारी जो है ये फिफ्थ क्लास रहेगी और आने वाला जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा सिक्स्थ पार्ट जो हमारा रहेगा उसमें जो है वो आपके लिए एमसीक्यू रहेंगे, जिसमें आपके लिए हिंदी इंग्लिश बायलैंगुअल दोनों ही भाषाओं में, और उसके साथ साथ आपको ऑप्शन जो है वो भी कल की क्लास रहेगी उसमें आपको देखने को मिलेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन है, जल्दी से आप कॉमेंट करें क्या इसका राइट आंसर रहेगा। तो जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं एक बार वीडियो को शेयर आप ज़रूर कर दें और ट्राई करें कि जल्दी से जल्दी आप अपना आंसर जो है वो हमारे साथ यहाँ पर शेयर करें। राजीव क्रिएशन हमारे साथ जुड़े हैं, वेलकम है उन सब उनका। जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी का जो है वो वेलकम है विजयपथ एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। डेली आपके लिए शाम को 8 बजे हमारी स्टैटिक जीके की क्लास रहती है, आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए। विजयपथ एजुकेशन डेली आपके लिए क्लास लेके आता है जिसमें ऑल एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जाती है, क्योंकि जीके हर किसी के लिए क्या है, सेम है। बस थोड़े से लेवल की ही बात रहती है, अगर हायर लेवल का एग्ज़ाम है थोड़ा सा टफ आएगा, लेकिन जीके जो है वो आपका सेम टू सेम रहेगा। अगर भारत की राजधानी दिल्ली है तो वो किसी भी पेपर के लिए वो दिल्ली ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि HAS का अगर एग्ज़ाम है या फिर UPSC का एग्ज़ाम है तो दिल्ली से वो शिमला हो जाएगी, नहीं। जीके आपका सेम है, बस लेवल की बात है। नॉर्मल पेपर में आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि भारत की राजधानी क्या है, थोड़ा सा एडवांस होगा तो हिस्ट्री में चले जाएंगे कि भारत की राजधानी कब बनी थी। अगर थोड़ा सा और ज़्यादा डीप है तो आपसे ये पूछ लेंगे कि भारत की राजधानी कब बनी थी और किसने बनाई थी और किसके शासनकाल में बनी थी। बस इसके लेवल की ही फ़र्क है, वो बेसिकली आपकी थोड़ी सी स्टडी के ऊपर, नॉलेज के ऊपर भी डिपेंड करता है। सो शेयर करें आप इस क्वेश्चन का आंसर क्या इसका राइट आंसर है। जापान की करेंसी जो है वो क्या है, जल्दी से आप बताएं जापान की करेंसी का नाम क्या है। वेलकम है आपका, जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं। बिल्कुल सही, तो जिनका आंसर यहाँ पर येन रहा है, ये बिल्कुल सही आंसर है इनका। येन जो है वो कहाँ की करेंसी है, वो है जापान की करेंसी। जापान की जो मुद्रा है वो क्या है, येन है। उससे पहले पिछले कल की क्लास में मैंने आपको बांग्लादेश की मुद्रा पूछी थी, वो टका है, और इंडिया की क्या है, इंडिया की है रुपया। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से आंसर बताइए इसका क्या इसका राइट आंसर है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, फलों का अध्ययन, जल्दी से आंसर शेयर कीजिए। फलों का अध्ययन जो है उसे क्या कहा जाता है, यानी कि जो फलों का फ्रूट्स स्टडी ऑफ फ्रूट्स है उसको क्या कहा जाता है। राजीव भारद्वाज क्रिएशन वेलकम है आपका, आंसर आप शेयर कीजिए। पोमोलॉजी के नाम से जो है वो हम इसको जानते हैं, फलों के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है, पोमोलॉजी। बिल्कुल सही आंसर जो है वो आपने यहाँ पर दिया है, पोमोलॉजी के नाम से जो है वो हम इसे जानते हैं। अगला प्रश्न है नारों से रिलेटेड, दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने कब दिया था। यहाँ से आपसे जो है वो डेट पूछी है, दिल्ली चलो का नारा जो है वो किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। ये आपको यहाँ पर क्वेश्चन के माध्यम से एक नया क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ पर पता चल गया कि दिया किसने था, लेकिन आपसे पूछा क्या गया है कि दिया कब था, ये जो है वो आपको बताना है। आंसर शेयर कीजिए जल्दी से जी, आंसर शेयर कीजिए, दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने कब दिया था। तो सॉरी, यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा शायद टाइपिंग एरर है, जस्ट सेकेंड, यहाँ पर बिहू
या बुहाग, सॉरी, यहाँ पर जो है वो पिछले को पिछ नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसका ही आंसर जो है वो यहाँ पर आ गया है। सो आप इस क्वेश्चन का आंसर उतने टाइम तक आप बताइए, क्या इसका राइट आंसर रहेगा कि असम राज्य का प्रमुख त्योहार है, आर्मी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपको बेसिकली आंसर इसका पता चल ही गया कि मुख्य त्योहार क्या है। बिहू जो है वो कहाँ का त्योहार है, वो है असम का त्योहार। तो ये जो आपकी पिछले क्वेश्चन में जो आंसर था, ये आपके नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है बेसिकली। ये थोड़ी सी जो है वो टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पर हुई है। असम राज्य का जो मुख्य त्योहार है वो क्या है, वो है बिहू। जस्ट अ सेकेंड, असम राज्य तो ये जो आपका क्वेश्चन है, दिल्ली चलो का नारा जो है, ये सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था, और ये दिया था 1944 में। 1944 में जो है वो इन्होंने ये दिया था नारा। यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग एरर, आप इसको थोड़ा सा देख लें। बिहू जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। ये 2 बार रिपीट हुआ है। असम राज्य का जो मुख्य त्योहार है वो उसको कहा जाता है बिहू, या फिर बोहाग के नाम से जो है वो भी हम किस त्योहार को जानते हैं, बिहू को ही जानते हैं। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? ये तो आपको पता होना चाहिए, हिमाचल पंजाब हरियाणा से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाखड़ा बांध जो है वो अलग है, नांगल बांध जो है वो अलग है। ये टोटल जो है वो 2 बांध हैं, एक बांध आपका पंजाब में पड़ता है, एक बांध आपका हिमाचल में पड़ता है। दोनों के दोनों जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हमारे लिए लेके आते हैं। ग्रेविटेशनल की फॉर्म में भी यहां से क्वेश्चन बनता है। भाखड़ा नांगल बांध जो है वो किस नदी पर है, तो वो है सतलुज नदी पर। कौन सी नदी पर है, सतलुज नदी पर है। ये हिमाचल की सबसे बड़ी नदी है, मुख्य रूप से 5 नदियां हिमाचल में है, सतलुज सबसे बड़ी। घनत्व के अकॉर्डिंग बात करें तो कौन सी बड़ी नदी, चिनाब। कौन सी नदी बड़ी, चिनाब। अगर छोटी की बात करें तो यमुना, यमुना जो है वो सबसे छोटी है। भगवान सूर्य से जो है ये रिलेटेड है, यमुना नदी किस भगवान से रिलेटेड है, सूर्य से रिलेटेड है। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार जो है वो किस वर्ष शुरू हुआ था? अर्जुन पुरस्कार यानी कि खेलों में जो है ये पुरस्कार दिया जाता है, द्रोणाचार्य अवार्ड है जो कि गुरुओं को दिया जाता है, और अर्जुन पुरस्कार जो है वो उन खिलाड़ियों को दिया जाता है। तो अर्जुन पुरस्कार जो है वो किस वर्ष शुरू किया गया था, अर्जुन पुरस्कार शुरू किया गया था 1961 में। तो जिसने भी आंसर 1961 दिया है, बिल्कुल सही आंसर है उनका। हमारे साथ अक्षय शर्मा भी जुड़े हैं, वेलकम है आप सभी का। राजीव भारद्वाज, आपका भी वेलकम है। ऋषु कुमार, मुनीश, अंशुल चौधरी, आपका भी वेलकम है। साहिल, आपका भी वेलकम है। जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हैं, एक बार वीडियो को आप शेयर जरूर कर दें, शेयर आप जरूर कर दें। और डेली शाम को 8 बजे हमारी स्टैटिक जीके की क्लास रहती है। ये इसमें आपसे 20 से 22 25 क्वेश्चन जो है वो आपसे डेली पूछे जाते हैं। तो आई होप आप इसको डेली जो है वो जरूर ज्वाइन करें, डेली आपके लिए ही ये सेशन लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? ध्यानचंद स्टेडियम जो है वो कहाँ पर है, ये आपको बताना है। तो ध्यानचंद स्टेडियम जो है वो हॉकी के जादूगर जो मेजर ध्यानचंद थे उनकी याद में बनाया गया था। यूपी में स्थित है, यूपी के किस जगह में स्थित है ये आप बताइए। यूपी में जो है ये लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, लखनऊ में स्थित है। मैंने आपसे सेकंड जो आपकी क्लास रही थी उसमें मैंने आपके यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनका मूल नाम पूछा था। एक बार आप कमेंट करें, जो भी नए साथी हमारे साथ जुड़े हैं, कि योगी जो आदित्यनाथ हैं उनका जो है वो पूरा नाम क्या है, मूल नाम क्या है, ओरिजिनल नेम क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए। अगला प्रश्न, टिप्पू सुल्तान जो है वो कहाँ के शासक थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने कई बार मूवीज में भी देखा होगा टिप्पू सुल्तान से रिलेटेड।
जो भी हिस्ट्री यहाँ पे बनती है इंडिया के लिए जो है इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन की फॉर्म में निकल के आती है। तो टीपू सुल्तान जो थे वो कहाँ के शासक थे, वो थे मैसूर के शासक। बिल्कुल सही आंसर है आपका, जो भी साथी यहाँ पे मैसूर जिन्होंने दिया है बिल्कुल सही है, टीपू सुल्तान जो थे वो कहाँ के शासक थे, मैसूर के शासक थे। बिल्कुल राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है, ये तो आपको आना चाहिए, नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है, क्योंकि हाल ही में कुछ टाइम पहले काफी ज्यादा फेमस हुआ था एनडीएस के लिए। नाटो का मुख्यालय कहाँ पे है, जल्दी से आंसर बताइए। ब्रुसेल्स में है, तो ब्रुसेल्स कहाँ पर है, ब्रुसेल्स है बेल्जियम में, बेल्जियम जो है इसका राइट आंसर है। कोई भी ऑप्शन आपको जो है वो पूछा जा सकता है, लेकिन हमारे जो ये क्वेश्चन की जो ये सीरीज चली है इसमें आपको जो है वो डेली आपको बिना ऑप्शन के क्वेश्चन इसलिए पूछे जाते हैं ताकि आपको क्वेश्चन जो है वो बिना ऑप्शन के याद हो जाए। अगर आपसे ये पूछा जाए सीधा सीधा कि भाखड़ा बांध किस नदी पर है, सतलुज नदी पर, तो आपको ऑप्शन की जरूरत ना पड़े कि कावेरी नदी ऑप्शन में है, गंगा है, सतलुज है या फिर यमुना नदी है, तो आपको ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। उस तरीके से हमने ये सीरीज चलाई है। अगला प्रश्न है, जल्दी से आंसर बताइए, बटरफ्लाई का संबंध किससे है, बटरफ्लाई जो शब्द है वो किस खेल से जुड़ा है, यहाँ पे आना था का संबंध किस खेल से जुड़ा हुआ है, ये आपको यहाँ पर बताना है। बटरफ्लाई जो शब्द है आप देख सकते हैं, जब हम तैरते हैं स्विमिंग करते हैं तो हम अपने हाथों को जो है वो किसकी तरह करते हैं, एक तितली की तरह जो है वो पीछे करते हैं, तो बटरफ्लाई की तरह करते हैं, बटरफ्लाई यानी कि तितली की तरह जो है वो अपने हाथों को करते हैं, तो किसकी तरह है, तैराकी से हुआ जुड़ा ये प्रश्न है। तैराकी से बटरफ्लाई जो है ये संबंध रखता है, यानी कि स्विमिंग इसका जो है वो बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न साइंस से रिलेटेड, एक हॉर्स पावर या अश्व शक्ति जो है वो कितने वॉट के बराबर होती है, आपसे पूछा गया है एक हॉर्स पावर जो है वो कितने वॉट के बराबर होती है, कितने वॉट के बराबर होती है एक हॉर्स पावर, हॉर्स पावर जल्दी से आंसर बताइए। साइंस में फिजिक्स का वर्क पावर एनर्जी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कितना 746 वॉट, 746 वॉट के बराबर जो है ये होती है। बिल्कुल सही आंसर जो है वो आपने यहाँ पर दिया है। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न, आगरा के किले के अंदर मोदी मस्जिद, सॉरी मोदी नहीं मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, आंसर दीजिए जल्दी से। आगरा का जो किला है कहाँ पर है, यूपी में है। आगरा का जो किला है वहां पर ताजमहल भी है, आगरा का जो किला है उसके अंदर मोती मस्जिद भी है, मोती मस्जिद कहाँ पर है, आगरा किले के अंदर है, यानी कि जो किला है उसके अंदर एक मस्जिद का निर्माण करवाया गया है, तो वो किसने करवाया, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वो आगरा का किला बनाया किसने, क्योंकि उस किले के अंदर मस्जिद बनाई है मतलब कि उसी व्यक्ति ने बनाई होगी जिसने किले का निर्माण किया, तो किसने किया है, आगरा से रिलेटेड कौन, शाहजहां, ताजमहल का निर्माण इन्होंने किया, आगरा का किला इन्होंने बनाया और उसके अंदर मोती मस्जिद भी किसने बनाई, शाहजहां ने बनाई। ठीक है जी, अगला प्रश्न है जल्दी से, शेर शाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है, शेर शाह का मकबरा जो है वो कहाँ पर स्थित है, शेर शाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है, शेर शाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है, आंसर बताइए जल्दी से आप, क्या इसका राइट आंसर है, शेरशाह यानी कि शेरशाह सूरी जो थे उनका मकबरा आपसे पूछा गया है, इसका जो निर्माण है वो 1545 में करवाया था शेरशाह सूरी ने, और देखिए 1545 का जो क्वेश्चन है वो आज हमें 2023 के एग्जाम में जो है वो पूछा जा रहा है, तो हिस्ट्री हमारी काफी पुरानी है, काफी इंटरेस्टिंग है। शेरशाह सूरी का मकबरा जो है वो बिहार में स्थित है, और बिहार में कहाँ पर, सुना होगा आपने सासाराम, सासाराम एक जगह है, जिला है, वहां पर जो है ये स्थित है। अगला प्रश्न, रांगा या फिर टांका जिसको फ्यूज वायर के नाम से हम जानते हैं वो किसकी मिश्र धातु होती है, एलोय होता है वो एक, किसका होता है, टिन, और किस धातु की जो है वो बनी होती है। अब आपको पता है फ्यूज वायर आपने देखा होगा, फ्यूज वायर जो है वो किस तरीके से, ये हमारा घरों में लगने वाला फ्यूज है, फ्यूज जो है वो हर किसी के घर में लगे होते हैं, लेकिन पहले फ्यूज ही लगे होते थे, आजकल क्या लगाए जा रहे हैं, MCV लगाया जा रहा है, सॉरी MCV
बी लगाया जा रहा है, ठीक है, एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। वो क्या करता है, वो ऑटोमेटिकली जब लोड ज्यादा आता है या फिर अगर कनेक्शन गलत है तो वो क्या हो जाता है, ट्रिप हो जाता है, नीचे ट्रिप हो जाता है। पहले के टाइम में क्या होता था कि हम बोलते थे कि फ्यूज उड़ गया। फ्यूज में क्या होता था, इस पॉइंट से लेके यहां पर एक ये इस तरीके से बना होता है और यहां से एक वायर जो है वो क्रॉस में लगाई जाती है। अब होता क्या था कि ये हमारी कनेक्शन से जुड़ा है, ठीक है, कनेक्शन से जुड़ा। अब ये जो है वो एक फ्यूज वायर लगाई गई है, ठीक है, फ्यूज वायर लगाई गई यहां पर। अब होगा क्या कि जब लोड ज्यादा होगा तो ये वायर क्या होगी, पिघल जाएगी और बीच में से क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। अब जब बीच में से टूट गई तो कनेक्शन क्या होगा, टूट गया। अब हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम घरों में कॉपर की वायर जो है उसको एज अ फ्यूज वायर में लगा देते हैं, ठीक है। अब जो कॉपर है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है। जब ज्यादा लोड आता है तो कई बार वो तार जो है वो मेल्ट नहीं होती है और हमारे जो घरों के अप्लाइंसेस होते हैं, सर्किट होते हैं, उनको भी क्या कर देती है, वो ब्रेक कर देती है। इसलिए फ्यूज वायर हमेशा जो है वो किस चीज की होनी चाहिए, टिन और साथ में लेड की होनी चाहिए। टिन और शीशे की जो मिश्र धातु बनती है उससे क्या बनाई जाती है, फ्यूज वायर बनाई जाती है। अगला प्रश्न है, इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था। इंग्लिश चैनल जिसने पार किया था वो प्रथम भारतीय कौन सा था, आपको पता होना चाहिए। अगर आप विजयपथ एजुकेशन के नोट्स के साथ अगर आप जुड़े हैं, अगर आपको जीके के अगर आपको नोट्स जो है वो मिले हैं, तो जो पहला आपका टॉपिक है जिसमें प्रथम भारतीय पुरुषों से रिलेटेड जितनी भी जानकारी दी है, जिसमें 18 से 20 क्वेश्चन आपके मैन से रिलेटेड दिए गए हैं, जिन्होंने कोई फेमस काम किया है जो, या फिर जो पहले मंत्रिमंडल में रहे हैं, या जो पहली बार उन्होंने माउंट एवरेस्ट पार किया है, उसमें ही ये क्वेश्चन आपका दिया गया है। ये आपका शायद 15 या 16th क्वेश्चन है, अभी तक मेरे को ये पता है कि इंग्लिश चैनल पार करने वाला भारतीय कौन था। तो आपके उस जीके के नोट्स में जो है ये आपके पहले पेज में जो है ये क्वेश्चन दिया गया है। तो इंग्लिश चैनल पार करने वाला जो पहला भारतीय था, बिल्कुल सही आंसर दिया है आपने, मिहिर सेन जो थे वो इंग्लिश चैनल को पार करने वाले क्या थे, पहले भारतीय थे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पुस्तकालय यानी कि नेशनल जो लाइब्रेरी है वो कहाँ पर स्थित है, नेशनल लाइब्रेरी। अब लाइब्रेरी तो आपको पता है हमारे पालमपुर में भी है, अगर हमारे हिमाचल की बात करें स्टेट लाइब्रेरी तो कहाँ पर है, शिमला में है, सरकारी हम जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो वैसे ही एक इंडिया की तरफ से जो है वो राष्ट्रीय पुस्तकालय है, जहाँ पे काफ़ी पुरानी पुरानी पुस्तकें जो हैं वो रखी गई हैं। तो ये कहाँ पर है, ये स्थित है कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में स्थित है कोलकाता में। राष्ट्रीय पुस्तकालय यानी कि नेशनल लाइब्रेरी पूरे भारत में जो है, इंडिया में कहाँ पर स्थित है, कोलकाता में स्थित है। अगला प्रश्न है, किसे एशिया की रोशनी के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऐसा कौन सा पर्सन है या ऐसा कौन सी चीज़ है जिसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जानते हैं, या फिर एशिया की रोशनी के नाम से हम उसे जानते हैं। अगर आप जीके के लिए भारत दर्पण की अगर बुक को प्रेफर करते हैं तो उसमें काफ़ी अच्छे तरीके से क्वेश्चन जो है वो डिफाइन किया गया है। तो किसको जानते हैं एशिया की रोशनी, बिल्कुल सही आंसर है आपका, गौतम बुद्ध को, गौतम बुद्ध को इस नाम से जाना जाता है, एशिया की रोशनी के नाम से हम उसे जानते हैं। अंतिम प्रश्न है आज की इस क्लास का, बिल्कुल छोटे छोटे सेशन जो है वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर नेशनल पार्क जो है वो किस राज्य में स्थित है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका स्थित है कर्नाटक में। और कर्नाटक में सबसे ज्यादा क्या होती है, कर्नाटक में सबसे ज्यादा होती है कॉफी। और मैंने आपको पिछले कल बताया था कि जो चाय है यानी कि जो टी है सबसे ज्यादा कौन से क्षेत्र में होगी, ठंडे क्षेत्र में होगी, कोल्ड में होगी, जैसे कि दार्जिलिंग है, असम है, हिमाचल है, इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा चाय जो है वो उगाई जाती है। आई होप आपको आज का सेशन काफ़ी अच्छा लगा है। आप डेली करंट अफेयर के लिए और साथ में न्यूज़पेपर के लिए, जिसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं के न्यूज़पेपर और करंट अफेयर आपको भेजे जाते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जल्दी ही मैं नई क्लास के साथ आपसे जुड़ूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।